नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर फिरोजाबाद से बताई जा रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर फिरोजाबाद से। आपको बता दें, इससे पहले 23 तारीख को फिरोजाबाद में जो हमारी फिरोजाबाद स्कूल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उसके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मार्च से सारे स्कूल प्राइवेट स्कूल जो है वो सभी पूर्ण रूप से बंद पड़े हुए हैं। अभी कुछ समय पहले ही जो 9 to 12 के स्कूल्स हैं वहां के लिए आदेश आए कि आप उनको खोल सकते हैं, लेकिन अभी भी जो नर्सरी से लेके 8th क्लास तक के स्कूल हैं उनके लिए कोई आदेश नहीं आए हैं। लेकिन हम लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जितनी भी चीजें हैं अगर आप देखेंगे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप उनको सभी को खोल दिया गया है, लेकिन स्कूलों को लेकर अब तक कहीं भी कोई भी आदेश नहीं आए हैं। स्कूल न चलने के कारण उनकी हालत आज ये हो गई है कि वो आत्मदाह पे बिल्कुल वो इस बात पे आ गए हैं कि या तो अब सरकार स्कूल खोले अन्यथा हमें आत्मदाह करना पड़ेगा, अन्यथा हमारे पास अन्य कोई रास्ता नहीं है। थैंक यू। यही है कि सरकार जल्दी से जो जूनियर सेक्शन है उनको खोलने की परमिशन दे ताकि बच्चे जो शिक्षा है उनको पूरी शिक्षा मिल सके, ताकि उनको आगे प्रमोट किया जाए। और उसकी वजह से जो स्कूलों में परेशानी आ रही है, आर्थिक परेशानी जो आ रही है, पेरेंट्स फीस जमा करें ताकि आगे स्टाफ का, फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज का, सबका उनका वेतन दिया जाए। हमारी तो सरकार से यही एक विनती है ताकि आगे स्कूल खोलने की परमिशन दी। काफी समस्या ये है, एक तो बिजली के बिल्स की पेमेंट आ रही है, दूसरा टीचर्स की सैलरीज की परेशानी आ रही है। किस तरह का निर्णय लिए गए हैं, क्या समस्याएं आपके सामने आ रही हैं? प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा ये मीटिंग का दूसरा चरण है। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी फिरोजाबाद में क्रिस्ट कॉर्नर स्कूल में रखी गई थी, उसमें शासन और प्रशासन को हम लोगों ने स्पष्ट रूप से आगाह कर दिया था कि अगर आप अभी भी 9 महीने हुए हैं, बहुत लंबा समय हो गया है, अगर सरकार स्कूलों के बारे में कोई ठोस रणनीति नहीं बनाती है, कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है, तो मजबूरन बस स्कूलों के शिक्षक, बल्कि हम तो कहेंगे मेरे अभिभावक भी, चूंकि वो भी इस समय बड़े परेशान हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई सही नहीं हो पा रही है, सभी लोग संयुक्त रूप से धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। और यहां तक भी हमने निर्णय लिया है कि आमरण अनशन पर बैठना पड़ेगा तो आमरण अनशन पर बैठेंगे, और आत्मदाह की जरूरत पड़ेगी तो आत्मदाह भी करेंगे। इसी संबंध में हमने एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया था, अभी तक उनके द्वारा जैसा कमिटमेंट किया गया था डीआओ सर के द्वारा और सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा, अभी तक कोई ऐसा उन्होंने अखबार में बयान नहीं दिया।